भैया ऑनलाइन रूम बुक किया था। हाँ जी, नाम बताइए। स्वीटी। आईडी। तुम तो अभी 18 की भी नहीं हुई हो। हाँ तो क्या हुआ, 2 महीने बाद तो हो जाऊंगी ना। रूम क्यों चाहिए आपको इससे मतलब? हाँ मतलब है, तभी तो पूछ रहा हूँ। आप अकेली रहोगी? नहीं, मेरा एक दोस्त आएगा थोड़ी देर में। फ्रेंड की आईडी? उसकी आईडी की क्या जरूरत है, मैंने अपनी दे तो दी। फ्रेंड की आईडी भी चाहिए? भैया मैं मेरठ से आई हूँ और मुझे किसी से मिलना बहुत जरूरी है। आप चाहे तो 100-200 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना। एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, आईडी चाहिए। ठीक है भैया, तो फिर मैं काम करती हूँ, बुकिंग कैंसिल कर देती हूँ। दिल्ली में बहुत सारे वो हैं जहाँ पे बिना आईडी के रूम मिल जाएगा। अरे आप तो खामखा नाराज होने लगी। अच्छा आप बैठिए, मैं रूम अरेंज कराता हूँ। हेलो, हाँ रूम नंबर 105 रेडी करो। हेलो, हाँ हो मैं ही हूँ। मैंने अपनी आईडी दे दी है, थोड़ी देर में रूम मिल जाएगा। ठीक है मैं अंदर पहुँच के तुम्हें कॉल कर दूँगी, फिर तुम आ जाना। ठीक है बाय। ये लो, रूम की सफाई हो रही है, 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। थैंक यू। तुम्हारी वॉच बहुत प्यारी है, गिफ्टेड है? हाँ, मेरे बड़े भैया ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की थी। लगता है काफी गहरा बॉन्ड है भाई के साथ तुम्हारा। हाँ वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। फिर तो तुम उनसे सारी बातें शेयर करती होगी। हाँ ज्यादातर तो बता ही देती हूँ। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी बताया है? बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों बताऊंगी, वो गुस्सा नहीं करेंगे क्या? गुस्सा करेंगे? लेकिन क्यों, वो तो तुम्हारी केयर करते हैं ना। केयर करते हैं तभी तो, मैं किसी गैर लड़के से मिल रही हूँ, उन्हें पसंद थोड़ी ना आएगा। तो तुम ये मानती हो कि किसी लड़के से दोस्ती करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैंने भी सनी से फ्रेंडशिप करने से पहले फेसबुक पे उसकी पूरी प्रोफाइल अच्छे से चेक की थी, बहुत जेन्युइन लड़का है वो। मैम वो बाहर लाल कलर की स्कूटी आपकी है? हाँ जी भैया। चाबी दे दीजिए उसको, साइड करना है वरना कोई ठोक देगा। तुम मेरठ से यहाँ तक स्कूटी चला कर आई हो? हाँ तो क्या हो गया, मैं पिछले 2 साल से स्कूटी चला रही हूँ, मेरे पापा ने मुझे सिखाई थी और जब उन्हें विश्वास हो गया तो उन्होंने मुझे नई दिला दी। मैं उनसे जो कुछ भी मांगू वो मुझे खुशी खुशी दिला देते हैं। यानी तुम्हारे पापा तुम पे पूरा विश्वास करते हैं? बहुत ज्यादा, पापा की परी हूँ मैं। फिर तो तुम्हारे पापा को पता होगा कि उनकी परी आज किसी से होटल रूम में मिलने जा रही है। अच्छा पापा का छोड़ो, लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तो मम्मी के साथ अपनी सारी फीलिंग शेयर करती हैं। नहीं मम्मी को तो बताया ही होगा ना? नहीं उनको भी नहीं बताया। इसका मतलब तुम यहाँ चोरी छुपे आई हो, तुमने अपने किसी फ्रेंड को तो बताया होगा ना? नहीं किसी को नहीं बताया, सनी ने मना किया था। स्वीटी बेटा मेरी भी एक छोटी बहन है तुम्हारी उम्र की, इसलिए मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह ये बताना चाहता हूँ, ये सब तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो। एक अनजान लड़का जिससे तुम सोशल मीडिया से बाहर जानती भी नहीं हो, उसके लिए अपने परिवार को धोखा दे रही हो। मैं मानता हूँ बेटा इस एज में अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन ये जमाना बहुत खराब है, लोग इसका गलत फायदा उठाने से नहीं चूकते। और जिससे तुम प्यार समझ रही हो ना, ये सिर्फ उसके लिए खेल है। लेकिन सनी ऐसा नहीं है भैया, और मैं जल्दी घर वालों को उसके बारे में बता दूंगी। बेटा मैंने ज्यादा दुनिया तो नहीं देखी है, लेकिन उम्र में तुमसे बड़ा हूँ और तजुर्बा भी तुमसे ज्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, जो लड़का दिल्ली का होने के बावजूद यहाँ नहीं आया, तुम्हारी आईडी से रूम बुक कर रहा है और थोड़ी थोड़ी देर में फोन करके तुमसे यहाँ का माहौल चेक कर रहा है, वो लड़का ठीक कैसे हो सकता है? अरे वो तो ऐसा इसलिए कर रहा है भैया क्योंकि ओहो में लड़कों से ज्यादा सवाल जवाब किए जाते हैं, जबकि लड़कियों से कोई कुछ नहीं कहता। ये झूठ भी जरूर उसी ने तुमसे बोला होगा। अच्छा एक काम करो, तुम उससे कॉल करो और जैसा मैं बोलूं वैसा ही उससे बोलना, देखते हैं तुम्हारा सनी कितना सच्चा है। हेलो स्वीटी, रूम मिल गया ना? सनी यहाँ ना ओहो में पुलिस वाले आए हैं और सबसे सवाल जवाब कर रहे हैं, मैं क्या करूं? तो मुझे क्यों कॉल कर रही हो तुम, पागल पागल हो क्या? निकलो वहां से, अगर पुलिस कुछ पूछे तो मेरा नाम बिल्कुल मत लेना,
और हो सके तो मेरा नंबर अभी डिलीट कर दो। सनी परेशान मत हो बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जिंदगी का इतना बड़ा सबक मिला है तुम्हें आज। बेटा परिवार से ज्यादा केयर और माँ बाप से ज्यादा प्यार कभी कोई नहीं कर सकता। किसी अनजान के लिए उनसे कभी झूठ मत बोलना, समझे? थैंक यू भैया। स्वीटी तो बच गई, लेकिन इसके जैसे ना जाने कितने टीनेजर्स जवानी के जोश में बहक जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, और कभी कभी तो यह नौबत आ जाती है कि अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी सिचुएशन ना आए इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें समझाएं, उन पर नजर रखें, एक दोस्त की तरह उनका विश्वास जीते और उन्हें सही रास्ता दिखाएं।